तो अभी हम लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले रात जो है क्या हुआ था, यहाँ से एंट्री जो है रोक दिया गया था क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है सिस्टम्स को जो है बंद कर दिया जाता है। इसलिए गोलू ने बोला है कि आतंकवादियों से डील करने के लिए सिर्फ हम आगे जाएंगे और बाकी लोग पीछे रहेंगे। तो हम लोग जो है ये रूम वूम ले लिए थे, 7 लोग जो है सोने के लिए आराम से जो है वो हो गया है। 4000 रुपए में जो है ये रूम मिला है। हाँ, सबसे लेट कौन होता है? सबसे लेट है इंद्रजीत सानी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ रूम वूम लेके बढ़िया से नीचे भैया लोग खाए, हम नहीं खाए कुछ, हम सिर्फ रियल जूस, हम सत्यम और रियल जूस और चिप्स, ये कुरकुरे एक बच गया। तो 4000 में जो है ये रूम है बाथरूम के साथ। तो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों और चलते हैं अपना श्रीनगर का जो है ट्रिप जो है कंप्लीट करते हैं, श्रीनगर की तरफ जो है अग्रसर होते हैं दोस्तों। यह तो महादेव का आशीर्वाद लेते हुए एक बार जयकारा लेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोस्तों चल रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल श्रीनगर, उससे पहले जो है कॉफी पियेंगे फिर जो है उसके बाद देखते हैं कि क्या जो है कर सकते हैं। वहां पे पहुंच के बारिश हो रहा है तो वहां पे जो शिकारा भी जो है घूमना है, शिकारा इन द सेंस की नाव जो है होता है उसको, उस पर जो है घूमा जाता है। तो वहां चलते हैं और रास्ते में श्रीनगर का नज़ारा तो मैं आपको फिलहाल दिखाऊंगा ही दोस्तों। और पूरा सेंसिटिव इलाका है, ये बात ध्यान रहे आप सबों को, आतंकवादी गतिविधियां जो है यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा बच के ही जो है हम लोग चलेंगे। तो यहीं पे जो है दोस्तों कल जो है रात में रोका हुआ था, रात क्या शाम था, 5 से 6 बजे के करीब जो समय था, यही टनल था देख सकते हैं, यहीं पे जो रोक दिया था। और वो बोल रहा था ये कि हमारा कोई रिस्क नहीं होगा, आपको आगे जो है मैं नहीं जाने दूंगा, ये ऊपर से आदेश है। और फिलहाल और ये भी है कि 6 बजे के बाद क्या होता है मूवमेंट, वो अपना हटा देते हैं पुलिस का, तो पुलिस का पैरा तो आतंकवादी ये कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो फिर वो उनका रिस्क फिर वो नहीं लेते हैं कि मैं जाने दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं यही बैरिकेटिंग है, अभी कोई नहीं है, फिर 3 बजे के बाद यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे सब, जाने नहीं देंगे, उससे पहले ही जो है हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं श्रीनगर वाले रोड पे, जस्ट इस पहाड़ के बगल में पाकिस्तान है। तो सामने देख सकते हैं सब रिजर्व फोर्स जो है यहाँ पे अभी तैनात है और आर्मी वाले भी जो है एकदम तैनात है विदाउट एनी डिले, एट द टाइम कुछ भी करने के लिए तैयार, हमारा इंडियन आर्मी फोर्स एकदम तैनाती के साथ जो है वो खड़े हैं 50-50 मीटर पे जो है एकदम तैनाती के साथ। मैं मुझे अभी तक लगभग हम लोग 10 से 15 किलोमीटर आगे आए होंगे, एक भी आर्मी का जवान जो है बैठा हुआ नहीं दिखाता, एकदम 2400 घंटे अगर उनको बोल दिया जाए तो 2400 घंटे जो है वो खड़ा रह सकते हैं, इतना ताकत है हमारे इंडियन आर्मी के पास। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं श्रीनगर और अपने इंडियन आर्मी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। देखिए सामने जस्ट इंडियन आर्मी एकदम तैनात रहती है, जस्ट इस पहाड़ के बगल में ही पाकिस्तान जो है वो है और ताक में बैठे रहते हैं आतंकवादी सब, इसलिए इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जा रहा है दोस्तों। तो इंडियन आर्मी को सैल्यूट है और आप सब तमाम जितने भी लोग हैं सब जो है इंडियन आर्मी को सैल्यूट करें, एक बार आए श्रीनगर और देखें यहाँ का माहौल और इंडियन आर्मी का जो है यहाँ पे देखें स्टेटस, तो देखेंगे ना आप तो आपका सीना जो है फूल के चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच 60 इंच हो जाएगा अगर आप ऐसा जो है इंडियन आर्मी को देख लेंगे, इतने बारिश में धूप में बरसात में कोई भी मौसम हो एकदम तैनात रहते हैं, क्योंकि जस्ट बगल में भोसड़ी वाला पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है, कभी भी जो है ताक में कुछ भी कर सकता है, इसलिए इंडियन आर्मी जो हमेशा रेडी टू फाइट रहती है, हमेशा तैयार रहती है दुश्मनों को मारने के लिए। कैमरामैन श्रीनगर दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं डल लेक और यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन जो है वो नहीं है। रूल रेगुलेशन की बात छोड़िए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो चलते हैं डल लेक और वो कुछ भी क्या नहीं है वो यहाँ से निकल के बताऊंगा मैं। तो चलते हैं डल लेक दोस्तों, उसके बाद जो है डल लेक में करेंगे शिकारा राइट और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ा लाल चौक, देखते हैं लाल चौक का क्या सीन बनता है, लाल चौक निकलेंगे उसके बाद जो हम लोग निकल लेंगे जम्मू की तरफ कटरा। तो आप सब अपडेटेड रहिए और इधर आए तो आप लोग एकदम सावधानी से आए क्योंकि आर्मी का जो है पूरा तैनाती यहाँ पे है और बाकी सब जान ही सकते हैं, श्रीनगर के बारे में मैं बताऊंगा एक डिटेल्ड बात आगे यहाँ से निकलने के बाद। दोस्तों ये है डल लेक और इसी में जो है शिकारा होता है, देख सकते हैं पूरे तरीके से चारों तरफ डल लेक आपको दिख रहा होगा। तो ये है डल लेक श्रीनगर का, अभी चलते हैं हम लोग डल लेक के अंदर और देख सकते हैं चारों तरफ कोई बता ही नहीं रहा डल लेक पे हैं हम लोग, कोई बता
जहाँ से राइड होता है डल लेक का। दोस्तों दूसरे सिकारा में जो है भैया बैठे हुए हैं, देख सकते हैं इसमें झुमका उमका आएगा साथ में। 80 रुपीज। अच्छा थोड़ा सा घूम ले पहले। यहाँ पे एक सीरियल हुआ था उसका नाम था गुल गुलशन गुलफाम। अच्छा, वो डीडी वन पे आता था, आपकी मम्मी को पता हो गुलफाम लेक। हाँ, यहाँ पे एक सीरियल बना था। अच्छा, यहाँ पे ये ज्यादा फ्रीज रहता है दिसंबर जनवरी फरवरी में, पूरा बर्फ रहता है। हाँ, यहाँ पे हॉकी फुटबॉल आइस की होता है, पूरा लेक जम जाता है। अच्छा, फ्रीज रहता है। जी जी, जो हमारा शिकारा है वो किनारे के साइड साइड से चलता है। अच्छा, इसे बीच में नहीं चलता, उसका पूरा व्हाइट रहता है। अभी ग्रीन ग्रीन है उस टाइम पूरा व्हाइट रहता है। अच्छा, इसीलिए याद रखना, ठीक है? गुलफाम लेक, गुलफाम लेक, ओके। ये डल झील सारा है, मगर किसी किसी का स्पॉट का नाम है अपना अपना नाम। अच्छा, ऐसा रहता है, बाकी जैसे अपने अपने मोहल्ले में डल लेक में गुलफाम। गुलफाम लेक, ठीक, थैंक यू। हाँ बताइए। हरी पर्वत इसका नाम है, हरी पर्वत। ये महाराजा हरी सिंह का है, उसी ने बनाया। अच्छा, जयपुर के महाराजा हरी सिंह। वो जम्मू का जम्मू का। अच्छा, हरी सिंह। हाँ, ठीक सेशन किए। हाँ, ठीक। उसकी निशानी है, ये फोर्ट है। अच्छा, इधर आर्मी है, ऊपर गार्डन। अच्छा, ये उसी ने बनाया, उसका महल भी। हरी सिंह का जो है वो आर्मी ने एक्वायर कर लिया है, आर्मी रहती है। अच्छा, नहीं हो गया। अच्छा, पानी के ऊपर खड़ा है। अच्छा, इसका जड़ नहीं है। अच्छा, आपको अजीब सा लगेगा, एक्चुअली फायदेमंद है। अच्छा, ये गांव वाले बनाते हैं मिट्टी और घास का। अच्छा, इसमें खीरा टमाटर कर भाई तरबूजा पौधे लगाते हैं। अच्छा, हाँ देखो ये नीचे रूस उसका इसका नाम है फ्लोटिंग लैंड। तो फाइनली हम लोग जो है दोस्तों शिकारा कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं कश्मीरी कावा जो है फिलहाल पी रहे हैं। इसमें ना जाने इतना आइटम मिल गया, समझ ही नहीं आ रहा है। एक स्वाद बस आ रहा है एलमंड का, और मसाला है कुछ उसका जो है वो आ रहा है सेफ्रॉन का। दो तीन आइटम मिला हुआ है, चार आइटम। तो अब हर चीज़ का टेस्ट तो नहीं बता सकते हैं।